नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी होममेड वेनिला कस्टर्ड आइसक्रीम। ये घर के सामान से बनके तैयार हो जाता है, वो भी मार्केट जैसा ही फ्लेवर, टेक्सचर और खाने में भी उतना ही टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। आइए इसको बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने गैस में कढ़ाई रखा, इसमें फुल क्रीम 1 लीटर दूध लिया है मैंने। हमें आइसक्रीम बनाते समय फुल क्रीम दूध लेना है, इससे अच्छा बनता है आइसक्रीम। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके उबालने के लिए छोड़ देते हैं। दूध में उबाल आ गया है, इसको मैं 10-15 मिनट तक उबालने देती हूँ मीडियम आंच पर। साइड में जो लगा हुआ होता है दूध, उसको भी साथ साथ में हम करछी की सहायता से हटाते रहेंगे। दूध उबालते हुए 10-15 मिनट हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया दूध। अभी इसमें मैं मिलाऊंगी कस्टर्ड पाउडर। मैंने नॉर्मल दूध रखा था, इसको अच्छे से मिला के दूध में डाल देंगे हम। मैंने 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर लिया था, ये वेनिला फ्लेवर का है। इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, नहीं तो गुटली पड़ जाएगा दूध में। लगातार चलाते रहना चाहिए हमें कस्टर्ड पाउडर डालते समय। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हमें 2-3 मिनट तक और पकाना है। मैंने इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से हिलाते हुए पका लिया है। ये कस्टर्ड पाउडर अभी अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें मैंने चीनी लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप कितना ज़्यादा मीठा पसंद करते हो। चीनी डालने के बाद ये दूध थोड़ा पतला हो जाएगा। उसके बाद हमें फिर 2-3 मिनट और पकाना है इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक। हमें लगातार चलाते रहना चाहिए इसको, नहीं तो ये नीचे तले में चिपक जाएगा। अभी बहुत गाढ़ा है हमारा दूध, ये अभी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। मैंने 3-4 मिनट और पकाया था चीनी मिलाने के बाद। अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। इसको हमें पूरा ठंडा करके लेना है बाद में। अभी गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ मैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मैंने 1 घंटा तक इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। अभी एक मिक्सी का जार ले लूँगी मैं। मिक्सी का जार लेके इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इसको 2 बार ब्लेंड करूँगी मैं एक ही बार में। ये ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने आइसक्रीम बनाया था, एक ही बार में नहीं आएगा जार में। ये बड़ा वाला जार लिया है मैंने इसको पीसने के लिए। मैंने आइसक्रीम जमाने के लिए एक डब्बा लिया है इस तरह का, आप किसी भी कंटेनर में डाल के इसको जमा सकते हो। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ये अभी बंद करके इसको 1-2 घंटे के लिए डीप फ्रिज में छोड़ दूंगी मैं। आइसक्रीम को मार्केट का जैसा टेक्सचर देने के लिए मैंने व्हिप क्रीम लिया है। ये डीप फ्रिज से पहले निकाल के 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्रीम में, नहीं तो ये पिघल जाएगा यूज करते समय। ये क्रीम माप में 250 ग्राम है, ये मैंने 1 कप लिया है। आप लोग भी इसका यूज़ करें, ये अच्छा होता है। मैंने एक बीटर लिया है, बीटर की सहायता से क्रीम व्हिप करूँगी मैं। 3 मिनट में क्रीम व्हिप करके तैयार हो जाता है। क्रीम व्हिप हो गया है, देखिए ये परफेक्ट हो गया है। अभी इसको एक बार मिला के छोड़ देती हूँ। अभी देखते हैं, इसको भी 1 घंटा हो गया था डीप फ्रिज में रखे हुए, ये अभी जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। इस स्टेज पे हमें इसको दोबारा अच्छे से मिलाना है क्रीम के साथ। मैंने बड़ा सा पतीला लिया है एक। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में आइसक्रीम बनाया था तो इस बॉल में नहीं आ रहा था। बॉल में क्रीम को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है।
क्रीम को मैंने बड़ा पतीला में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसी में जो जमा के रखा था आइसक्रीम उसको भी मैं इधर ही ट्रांसफ़र करूँगी। दोनों को मिक्स करके दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी इसको मैं 3-4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करूँगी, तब जाके ये परफेक्ट मार्केट के जैसा आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें व्हिप क्रीम भी डाला है। 3-4 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स किया है। मुझे आइसक्रीम का कलर थोड़ा डल लग रहा था, मैंने थोड़ा फूड कलर, येलो फूड कलर डाला है इसमें, इससे इसका कलर देखने में भी थोड़ा ब्राइट लगेगा। इसको पूरी तरह से मैंने कलर डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। अभी मैं वही कंटेनर ले रही हूँ, उसी में सारा आइसक्रीम को मैं ट्रांसफ़र करके जमाने के लिए रखूँगी। आपको आइसक्रीम जमाने के लिए इसी तरह का डब्बा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा भी आपके पास हो कटोरा उसमें भी अच्छे से जम के तैयार हो जाता है। मेरे पास यही डब्बा था तो मैंने यही ले लिया है। आइसक्रीम को मैंने सारा इसमें डाल लिया है। मैंने लिया है एल्युमिनियम फॉइल पेपर, फॉइल पेपर ऊपर से लगा के फिर उसके बाद ढक्कन लगाएंगे, ये करना ज़रूरी है और आइस क्रिस्टल नहीं जमेगा ऐसा करने से। इसको मैं लगातार 8 घंटा तक डीप फ्रिज में रखा था, देखते हैं कैसा बना है ये। 8 घंटे बाद इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए ये जम के तैयार हो गया है, मैं इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए ये कितना अच्छा बना है, ये बिल्कुल मार्केट के जैसा लग रहा है, खाने में तो स्वादिष्ट है ही ये। इसको और निकाल के दिखाती हूँ मैं। डीजे वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम बन के तैयार हो गया है, ये बिल्कुल मार्केट के जैसा बना है ये। मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा टूटी फूटी ले रही हूँ, थोड़ा देखने में सुंदर लगेगा ये। लीजिए हमारा वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम बन के तैयार हो गया है। आपको ये फ्लेवर तो अपने हिसाब से ले सकते हो, इस तरीके से आप लोग भी इसको बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में वीडियो भी शेयर कीजिएगा।